में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। रामलला की विराजमान को लेकर राम के भक्तों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इंदौर के बाजार और कॉलोनियां दिवालियों की तरह सज धज कर तैयार है। शहर के सभी शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बड़े बाजार, सार्वजनिक स्थान और रहवासी इलाकों में राम मंदिर की प्रतिकृति व अयोध्या मॉडल पर खास सजावट की गई। संस्थानों, बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष लाइटिंग और डेकोरेशन किया गया है। देखिए, पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व भर में इस राम दीपावली को मनाया जा रहा है। यह राम दीपावली इस देश की 140 करोड़ जनता की भावनाओं के अनुरूप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से हमको मिली है। कोटि कोटि वंदन करते हैं प्रभु राम का और अभिनंदन करते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से, जिनके आत्मविश्वास से ये दिन मिला है हमको। हम इस आत्मविश्वास की दिवाली को पूरे 140 करोड़ भारतीय हिंदुस्तानी गर्व के साथ मनाने को निकले हैं। और हमें ये लगता है कि जब इंदौर पूरा सजा हुआ है तो इंदौर का राजबाड़ा कैसे नहीं सजे। तो इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन, पिपली बाजार चाट बाजार एसोसिएशन, सराफा एसोसिएशन और तमाम हमारे व्यापारिक संगठन, हिंदू जागरण मंच जिला द्वारका जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं, हम सब साथ में होकर इस अभियान को, आयोजन को सफल बनाने की चेष्टा रखते हुए काम कर रहे हैं। पूरा राजबाड़ा जो है भगवामय करा गया है। रेडीमेड की 600 दुकानों ने एक संकल्प लिया, जिस संकल्प में जो भी ग्राहक आता है तो उसको हम अश्वगंधक चंदन लगाते हैं और साथ में अगर वो खरीदी करता और जय श्री राम बोलता है तो उसको हमारी दुकान से रियायत, छूट या उपहार जो भी हमसे बन रहा है वो हम दे रहे हैं। देखिए, पूरा देश जब राममय है इस खुशी को मनाने के लिए आतुर रहेगा तो सराफा बाजार कहाँ पीछे रहेगा। वैसे तो हमारे मालवा के लोग और इंदौर वासी सब चीज़ों में अग्रणी रहते हैं, लेकिन इंदौर के साथ में सराफा सबसे पहले, कोई भी खुशियाँ अगर मनाना है तो उसमें पीछे नहीं रहता। पूरे सराफे को दुल्हन की तरह सजाया गया है। प्रभु श्री राम भगवान का जो है यहाँ पर विशाल कटआउट लगाया गया है। दुकान दुकान के ऊपर ध्वज लगाए गए हैंगे। यहाँ पर महाआरती करेंगे, लड्डू प्रसाद बटेगा पूरे बाजार के अंदर। लगभग 3,000-4,000 पैकेट जो है यहाँ पर लड्डुओं के प्रसाद की तैयारी चल रही हैगी। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है, जिनने हमारे को मर्यादा सिखाई है, पूरी दुनिया के रचयिता है, जन जन के रचयिता है, ये तो उनने एक मौका दिया है, इंसानों को मौका दिया है कि भाई तुम जो है ये मंदिर का निर्माण करके और ये आशीर्वाद ले लो। तो ये आशीर्वाद लिया है मोदी जी ने, योगी जी ने और पूरे देश की जनता ने। इन दिनों मार्केट में भगवा झंडो, राम की टी शर्ट और पट्टू की इतनी जबरदस्त डिमांड है कि हाथों हाथ माल की बिक्री हो रही है। इतना ही नहीं, मार्केट में डिमांड बढ़ने से राम नाम के झंडे, कैप और टी शर्ट पर महंगाई का भी असर देखने को मिला। उन्होंने बताया कि अयोध्या में भगवान राम विराज रहे हैं, लोगों का 500 साल पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। ऐसे में राम के भक्तों में राम के प्रति जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। तब अब माहौल बनना शुरू हुआ है। 22 तारीख का हर आदमी की सोच ही हर घर पर झंडा लगे, उस हिसाब से रिटेल गिराकी शुरू हुई है। अच्छी अब गिराकी शुरू हुई है तो एक दो दिन से कितनी डिमांड है झंडों के पीछे? एक एक दो दो पीस हर आदमी लेने के जा रहा है अपने घर पे लगाने के लिए। सिंगल सिंगल चल रहे हैं अभी झंडे। अच्छी डिमांड है, मतलब अच्छी डिमांड अब शुरू हुई है, धीरे धीरे शुरू हुई है। 22 तारीख तक होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और हलर लगवाने के लिए यहाँ पर माल ही नहीं है, माल खत्म हो गया। हाँ, माल खत्म हो गया। मेघदूत गार्डन में फिटनेस क्लब चलाते हैं और हम भी चाह रहे थे कि 21 या 22 तारीख को एक बड़ा आयोजन करें ताकि हमारी भी कुछ भागीदारी अपने रामलला जी के स्थापना में हो। लेकिन यहाँ सभी दुकानों पे हालत ये है कि एक छोटे छोटे झंडे 100-100 रुपये मिल रहे हैं, ना उसमें डंडा है ना कुछ भी है, और किसी भी कपड़े में बनाए हुए हैं। कुल मिला के बहुत ही महंगे हो गए और किसी के पास नहीं है। अगर हम चाहें कि 100-200 लोग छोटा झंडा लहराते हुए चले तो उसके लिए तो झंडा ही नहीं है सर यहाँ पे। मतलब हालात मार्केट में बहुत ख़राब है, सिर्फ ये लोगों की दीवानगी है, इसीलिए ऐसे हालात है। कि आज हमारे 500 साल पुराने राम भगवान का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है और हम हमारे बाजार को राममय बना रहे हैं पूरी तरह। यहाँ पे अभी झंडे वगैरह सब लग गए हैं, अभी लाइट वगैरह सब की तैयारी चल रही है। पूरा भगवान का प्रसाद वगैरह की शक्कर बाजार की तरफ से परिवार की ओर से 111 किलो का यहाँ पे
अपने का खिरान का प्रसाद और 50 किलो की नुक्ति का कार्यक्रम यहाँ शक्कर विहार में आयोजित कर रहे हैं। 22 जनवरी को इंदौर में भव्य दिवाली और जश्न की तरह मनाने के लिए पिछले दिनों महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शॉपिंग मॉल, बड़े बाजार, व्यावसायिक संस्थान संचालकों और रहवासी संगठनों को पत्र लिखकर अपील की थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भव्य मंदिर का लोकार्पण राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है। वहीं शहर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विभिन्न जगहों पर प्रभात फेरी निकाली जा रही है। वही बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में उत्साह और उल्लास नजर आ रहा है। अभिजीत शर्मा के साथ विशाल लश्कर की खास रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।